अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है, UET की सेकंड मेरिट लिस्ट लग चुकी है। इस पे अपडेट की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी और आप लोगों ने वो देख भी ली होगी उम्मीद है कि। और अब हमारा मेन टॉपिक आता है जो कि हमारा मेन पर्पस है सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करने का, वो है मिनिमम एग्रीगेट एनालिसिस ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट 2020 और 2021। इसमें ये पता चलेगा कि कौन से कैंपसेस, कौन सी फील्ड्स, कौन से कैंपस में अभी भी ऊपर हैं, कौन सी फील्ड अब काफ़ी नीचे आ गई हैं, कौन सी फील्ड में कोई हल्का फुल्का सा ही चेंज मिला है, यानी कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का सा तो आया। तो उस ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ओवरऑल तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ, ओवरऑल तौर पर देखा जाए टॉप फील्ड्स को छोड़ के, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि टॉप फील्ड्स का मेरिट बहुत कम होता है कि गिरे या ज़्यादा गिरे, लेकिन जो लोअर फील्ड्स होती हैं ना उनमें काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि अच्छा खासा फॉल देखने में आता है, और हुआ कुछ ऐसे ही है। तो इस वीडियो का ना जो एक ओवरऑल कह सकते हैं, खुलासा कह सकते हैं इसे, तो ये है कि ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो मेरिट में हल्का फुल्का तो चेंज आया है। अब बढ़ा है या कम हुआ है ये आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में जाके, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और CS वालों के लिए गुड न्यूज़ है यार, मतलब काफ़ी शॉकिंग है लेकिन मज़ा आएगा। मतलब उम्मीद आप लोगों के लिए जाग चुकी है, जो 78 की रेंज में घूम रहे थे ना उनके लिए एक उम्मीद है। तो वीडियो देखना पता चल जाएगा कि क्या उम्मीद है। तो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं मेन कैंपस 2020 से ना, 2020 की फर्स्ट से सेकंड लिस्ट और 2021 की फर्स्ट से सेकंड लिस्ट में कंपेरिजन करेंगे, जैसे कि हमने अभी रिसेंट अपनी टेक्सला के वीडियो में किया था। तो 2020 में ना फॉल देखने को मिला था 0.7898 फर्स्ट से सेकंड लिस्ट में, इस दफा मिला 1.227, जो कि देखा जाए फॉल तो ज़्यादा है लेकिन ये भी तो देखे ना इस दफा मेरिट भी तो बहुत ज़्यादा हो गया था। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा से मुराद कि इतना भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो था वो ज़्यादा ही था। तो उस हिसाब से देखें तो अब जो है ना आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग 79.5 से आ चुकी है 78.3 पे। तो जिनको उम्मीद थी, काफ़ी बच्चों का नाम आ चुका है उनमें से और कुछ का अभी भी रहता है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग क्लोजिंग तक, शायद की बात है कि 77.5 तक चली जाए, जो कि 2020 में ओपनिंग मेरिट था उसका। लेकिन अभी भी इसलिए मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग पिछले कुछ सालों से ना बहुत जल्दी इसकी सीट फिल हो जाती हैं, और यहाँ पे जो बच्चा एक दफ़ा आ जाता है फिर वो निकलता बहुत कम है। तो इसका मेरिट ज़्यादातर चेंजेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो अभी देखते हैं क्या बनता है इस साल, ये तो मैं प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहा हूँ। आर्किटेक्चर 2020 में 76.54 से गया था सेकंड लिस्ट में 75.04, जो कि फॉल हुआ था 1.47 का, और 2021 में फॉल हुआ 1.12 का, बहुत ही कम फॉल हुआ है। इसका मतलब है कि आर्किटेक्चर को भी इस दफ़ा डिमांड में रखा हुआ है बच्चों ने, मतलब आर्किटेक्चर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि ये फील्ड वो नहीं है जो 77 पे आपको आमतौर पर देखने में मिलती है। ये तो वो फील्ड है जो आमतौर पर 73, 74, 75 की रेंज में मिल जाती थी, लेकिन इस दफ़ा ये 77 में खेल रही है अभी तक, 78 ही कह लो क्योंकि 77.8 कोई ज़्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की बात करते हैं, न्यू फील्ड है UET की। आई थिंक मैंने ये न्यूज़ में भी पढ़ा था रिसेंटली, में इसे एक्रीडिएशन मिल गई है, ये पता नहीं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को मिली है PEC की। तो अभी तो ये ग्रूम कर रही है एज सच, अभी ये कोई बड़े झंडे नहीं गाड़ चुकी, ना ही इस फील्ड की अभी इतनी डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन अभी से ही बच्चों ने इस फील्ड को भी ऊपर रखना, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जैसे कि इसके नाम में ही समझ लें ना, मैकेनिकल वाला एक नशा सा आ जाता है ना, मैकेनिकल का एक जो पूरी मैकेनिकल है ना, अगर उसे कहें ना एक बोतल में कवर करें तो ये एक जाम, ग्लास का एक जाम जो है ना, ये जाम खुद ही ग्लास होता है, तो मैं क्या फजूल बातें कर रहा हूँ। तो ये इसी को ही कह सकते हैं, ऑटोमोटिव बहुत अच्छी फील्ड है लेकिन अभी रेलिवेंटली न्यू है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगी सेट और इंशाल्लाह ये भी आपको टॉप फील्ड्स में ही नजर आएगी फ्यूचर में। तो इसका 77.6 से अब फॉल हुआ है 75.4 पे, 2.2 का चेंज आया है, पिछले साल जो था 1.38 था, तो इसका ज़्यादा थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है फर्स्ट से सेकंड लिस्ट में जाते हुए। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, 78.08 से 76.57 पे गया था, काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला था, लेकिन इस साल बच्चों ने बहुत ज़्यादा ऊपर रखा है केमिकल को भी, केमिकल की अच्छी खासी डिमांड है इस साल। इवन जो मेरे पास आप में से कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, काफ़ी सारे बच्चे केमिकल के थे अच्छे एग्रीगेट वाले में, ये नहीं कि मतलब लोकल कोई थोड़े से लोग एग्रीगेट वाले कह रहे हैं कि हमने केमिकल अच्छे खासे थे, इसका मतलब है कि केमिकल ने भी इस दफ़ा एक सही ना कहते हैं कि क्या कह सकते हैं कि एक सही पॉइंट पकड़ा है, एक थोड़ा मतलब इंक्रीज की तरफ गई है।
यहाँ पे डिक्रीज जो हुआ है ना, चेंज आया है, वो 0.76 का, जो कि इसका तकरीबन हाफ बन रहा है, बहुत कम चेंज है केमिकल। इसका मतलब है कि शायद 78 से नीचे ज्यादा उम्मीद ही नहीं है कि नीचे नजर आए, और अगर आ भी गई तो 77.8 या 9 में ये क्लोज होने वाली है इस दफा। सीटीएन ओरिजिनल प्लानिंग 74 यूजुअल होता था, 2020 में भी था, और फिर 73 पे गई थी, चेंज आया था 1.1149 का। इस दफा तो इसने भी झंडे गाड़े थे, 77.6 पे पहुंच गई थी, जो कि अब हो चुका है 75.5, तकरीबन 2.1591% का फॉल देखने को मिला। इसका मतलब सिटी एंड रीजनल प्लानिंग आहिस्ता आहिस्ता वहीं पे जा रही है जो इसकी असल जगह है। ये बहुत ऊपर निकल गई थी, कहते हैं ना जब बच्चे बिगड़ जाए अक्सर तो फिर हरकत ही हो जाता है, लेकिन फिर पेरेंट्स उन्हें काबू कर लेते हैं, तो बच्चों ने इसे काबू कर लिया खुद। इस दफा बच्चे पेरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे। सिविल इंजीनियरिंग देखें तो 78.7 था, 2020 में 77.7 पे गई थी, तो तकरीबन 1% तक, यानी कि 0.96% तक का चेंज देखने को मिला था। 2021 में 79.8 से गई है ये 79.20 से, 0.68 इसके हिसाब से देखें तो कम ही चेंज है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम चेंज है। इसका ये मतलब है कि सिविल इंजीनियरिंग इस दफ़ा 78 से ऊपर ही क्लोजिंग करने वाली है, शायद 79 में ही क्लोज कर जाए, या फिर अगर करे तो 78.7 या 8 की रेंज में होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे आना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें चेंज देखने को मिला 0.6477, इसमें भी बहुत कम चेंज देखने को मिला है। 2020 में ही इसकी फर्स्ट इसमें 80.5 था, तो अब हो चुका है 79.8727, तो ये भी बहुत कम चेंज देखने को मिला है, जबकि पिछले साल जो था 1.16 था। तो इस दफ़ा कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी टॉप पे रहने वाली फील्ड में से है, और लग रहा है कि फोर्थ लिस्ट तक ये 79 पे क्लोज होगी, और अगर 78 में जाए तो सेम जैसे बाकियों के लिए 78.8 या 9 में ही जाएगी। कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो ये उम्मीद आई है, 2020 में 1.8984 तक फॉल हुआ था, और अब जैसे कि 80 पे जब चला गया था ना, तो यहाँ पे तो बहुत कम उम्मीद थी कि मेरिट गिरेगा, और नहीं गिरना था। ये गिरा सिर्फ इसी सूरत में है कि बच्चों ने फीस जमा नहीं करवाई होगी, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चक्कर में गिर गया है कि बच्चों ने ये फीस जमा नहीं करवाई होगी, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई अपग्रेड वाला ऑप्शन बचना ही बहुत कम, बहुत कम है। मतलब एक दो फील्ड्स ऊपर रह गई थी, उसमें लोगों ने अप्लाई भी पता नहीं किया था कि नहीं, लेकिन फिर भी इसका मेरिट 1.69 फॉल हुआ, जो कि मैं ये कह रहा था कि शायद हमें ये ओवरऑल देखने को मिले। तो यानी कि अब जो 78 में मुझसे पूछ रहे थे बार बार कि सर हो सकता कि नहीं हो सकता, तो उनके लिए बड़ी ही मैं कह सकता हूँ कि उम्मीद की किरण नज़र आई है, और उनका चांसेस है। मैं इस पर एक शेर भी बता सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीद की कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए माँ बाप के कदमों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। तो ये आप लोगों के पेरेंट्स की दुआएं ही हैं जो CS इतना नीचे आ रही है, वरना उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2020 में 79.7 से गई थी 78.3 पे, 1.33 का चेंज देखने को मिला है। 2021 में ये भी चेंज बहुत ही कम, 0.62, बहुत ही कम चेंज देखने को मिला है। पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, एज मतलब एग्रीगेट की बेस पे मैं कहूँ, इफ़ वी टॉक अबाउट एग्रीगेट बेसिस, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा, मैं UET की एजुकेशन स्टडी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से काफ़ी नीचे आ रही थी, अभी भी देखा जाए तो ये तो नीचे तो है कुछ फील्ड से, तो अभी भी बहुत नीचे है, लेकिन स्टिल एक अच्छी स्पॉट पे है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 75 2020 में था, 73 पे गया था, 1.7806 का फॉल देखने को मिला था। अब 2021 में 76 पे था, ये भी मैंने कहा था कि काफ़ी ऊपर गया हुआ है, लेकिन अब अपनी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है, तो ये 74 पे पहुंच चुका है। इस दफा फॉल हुआ है सेकंड मेरिट लिस्ट में 2.4795 का, तो इसका भी जो क्लोज है ना, आई थिंक क्लोज में ये 71 तक चली जाएगी, उम्मीद है 71 तक चली जाएगी, वरना 72 पे भी शायद क्लोज हो जाए इस दफा। मैं फोर्थ लिस्ट तक की बात कर रहा हूँ। जियोलॉजिकल 72.4540 था 2020 में, और फिर चला गया था ये सेकंड इसमें 70.825, तकरीबन 1.629 का चेंज देखने को मिला था। और 2021 में 73.2 पे गया था, जैसे कि मैंने कहा था 0.8 का इंक्रीज हुआ है, लेकिन मैं देखा ना इंक्रीज कैसे कंपनसेट हुआ, अब सीधा 73 से ये 69 पे गई है, ये इसकी पोजीशन है जियोलॉजिकल, कैसे ये वो जगह है जहाँ पे जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग हमें मिलती है। इस साल थोड़ी ऊपर निकल गई थी, लेकिन वो वापस अब कंट्रोल में आ चुकी है, और फॉल कितना आया इसमें 3.4409 का मैसिव फॉल देखने को मिला है। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भाई की फील्ड है
तो 2020 में 76.3 से 74.3 यानी कि तकरीबन 2% का फॉल देखने को मिला था। तो 2021 में 1.6546 देखा जाए तो फॉल अच्छा है, 75 पे पहुंचना एक अच्छी है निशानी है। यहाँ पे कह सकते हैं ये क्लोज कर सकती हैं 74.78 तक में, तो अभी भी मतलब ठीक ठाक फॉल इसमें देखने को मिल चुका है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वन ऑफ द टॉप फील्ड, कोई फॉल नहीं देखने को मिला, कोई खास फॉल मतलब देखने को मिला, सिर्फ 0.4 का फॉल देखने को मिला। तो इसका ये मतलब है कि अगली दो लिस्टों में शायद बहुत ही कम होके अब इसका मेरिट गिरे। इसका मतलब कि 81 में या 80s में ही इस दफ़ा एंड होने वाली है, ज़्यादा इसका मेरिट नहीं गिरेगा। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 77.7 था, तो 76.7 पे यानी कि 1% तक का फॉल था। इस 2020 में ये 78.8 पे चली गई थी, तो इस दफ़ा पहुंच गया 77, यानी ये जो 2020 में फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी ना, 2021 में वो सेकंड मेरिट लिस्ट में पहुंच गई है। तो इसका भी एक 1.13 तक का फॉल देखने को मिला है। तो उम्मीद है कि अभी थोड़ी और गिरेगी और शायद ये 76.89 की रेंज तक पहुंच जाए, उम्मीद है, बहुत उम्मीद है अभी। यानी जो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के शौकीन हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो अभी उम्मीद रखें। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, जिसे ज़्यादातर इससे भी मतलब कि कहते हैं शोहरत हासिल है कि ये डॉक्टर AQ खान की फील्ड थी। 2020 में 75.49 से ये गई थी 73.80 पे, फॉल देखने को मिला था 1.69 का, इस दफ़ा 76 हो गया था, तो 74 पे गए, 1.33 का फॉल देखने को मिला है मेटलर्जिकल का। ठीक ठाक फॉल है फिर भी, ये जैसे कि होना चाहिए था तक उतना तो है, लेकिन अभी भी ज़्यादा ऊपर ही है, लेकिन स्टिल मतलब एक अच्छा फॉल देखने को मिल गया इस फील्ड का भी। माइनिंग ये भी ऊपर घूम रही है, कोई नहीं ये भी आ जाएगी नीचे इंशाल्लाह, अगली लिस्ट में ये भी नीचे नजर आएगी हमें। तो 2020 में इसका था 73.38 और 2020 की सेकंड लिस्ट में हो गया था 71.39, तो 1.9 का फॉल देखने को मिला था, इस दफ़ा फॉल थोड़ा सा कम मिला, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लिस्ट में कंपनसेट हो जाएगा। 1.4659 का फॉल देखने को मिला, 71.8 पे पहुंच रही है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 77.4 से 76.08 पे गई थी, तकरीबन 1.4 का फॉल था। 2021 में 78.6 से ओपनिंग हुई थी, तो अब ये 77.6 पे पहुंच गई है, यानी अभी भी ये 2020 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बराबर नहीं पहुंची, लेकिन स्टिल अ गुड फॉल। जिस भी फील्ड का ना, ऊपर वाली फील्ड की मैं बात करूँ, जिस ऊपर वाली फील्ड का 1% से ऊपर फॉल आया है ना, तो वो उसे गुड ही कहेंगे, क्योंकि उम्मीदें बहुत कम थी इस दफ़ा कैसा हो, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो इस मतलब अच्छी बात है, मतलब अच्छा शगुन है ये। पॉलीमर इंजीनियरिंग 2020 में फॉल देखने को मिला था 2.39 का फर्स्ट से सेकंड लिस्ट में, और इस दफ़ा देखने को मिला 2.23 का, तकरीबन सेम है, लेकिन पॉलीमर इंजीनियरिंग स्टिल ऊपर है, तो ये भी इंशाल्लाह 69 के रेंज में आपको फोर्थ लिस्ट तक देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि ये 69 की रेंज में आ जाएगी। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जिसने इस दफ़ा हैरान कर दिया था, 2020 में 73.3 था, तो उसके बाद 71.3 पे यानी कि तकरीबन 2% का फॉल देखने को मिला था, तो अब जाके 2.29% का फॉल देखने को मिला, यानी ये भी अपनी जगह पे वापस पहुंच रही है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, ये भी एंड क्लोज जो होगा इसका तकरीबन 68 में आ सकता है, 68-69 में। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 73.72 से गई थी 71.81 पे, 1.9 का फॉल देखने को मिला था, इस दफ़ा ये काफ़ी ऊँची चली गई थी। मैंने इसके बारे में ना पर्टिकुलरली कहा था कि इसका मैसिव जो है ना डिक्रीज आएगा नेक्स्ट लिस्ट में, और वैसे ही हुआ। 75 से 72 पे गई है, 3% तक फॉल देखने को मिला, ये तो अच्छा खासा फॉल है ये। मैकेनिकल केएसके की बात करें, फॉल ठीक ठाक ही है, पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन अभी भी फील्ड ये टॉप पे है। लेकिन 2020 में 75.38 पे थी क्लोजिंग में, और अब 2021 में 75.8 पे अभी पहुंची है सेकंड लिस्ट में, यानी अभी तक इस चीज़ तक नहीं पहुँच सके, बट स्टिल एक अच्छा फॉल देखने को मिला है इसमें भी। RCET की बात करें, बहुत अच्छा फॉल है 3.6091 का, तो ये 73 से पहुंच चुकी है 69 पे। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग नारोवाल कैंपस की बात करें, तो ये 71.5 से पहुंच चुकी है 68.5 पे, यहाँ पे भी तकरीबन 3% तक का फॉल देखने को मिला है, इसका डबल है, यानी मेरिट फॉल हुआ है इसका। इलेक्ट्रिकल की बात करें, कैसके 76 से 74.5 पे पहुंची है, 1.85 का फॉल, बहुत अच्छा फॉल हुआ है इसका भी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग RCET कैंपस की करें, तो 69 से चला गया 66.4 पे, तकरीबन 3.5% तक का फॉल, बहुत ज़्यादा फॉल है, बट स्टिल सब कैंपस है तो इतना तो गिर ही सकता है। इलेक्ट्रिकल नॉर्मल कैंपस की बात करें, तो 69.7 से गई है 66.5 पे, बहुत ज़्यादा फॉल है ये भी 3.175 का,
लेकिन स्टिल सब कैंपस है तो इतना तो गिरता है। मैंने पहले ही बताया था कि सब कैंपस का 2 से 3% तक गिरने के चांसेस होते हैं। FSD कैंपस 72.9, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है 72.9 से गई है 69.2 पे, तो यहाँ पे तो मतलब ये सबसे ज़्यादा फॉल इसी फील्ड में देखने को हमें मिला है 3.7109। फैसलाबाद के इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा फॉल देखने को हमें इस साल मिला है अभी तक के लिए, सेकेंड इसमें सोच साल ना कि सेकेंड इसमें है। सिविल इंजीनियरिंग नारोवाल की 74 पे थी फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में पहुंच गई है 70.42 पे, तो 3.59 तक का फॉल देखने को मिला है, कहाँ 1.9 और कहाँ 3.5, उससे भी ज़्यादा यानी तकरीबन डबल के करीब कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग RCET कैंपस 67.64 से 64.33 पे पहुंचे, तो यहाँ पे भी तकरीबन 3.3113 तक का फॉल देखने को मिला है, अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में RCET कैंपस यानी रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग जो कि सिर्फ फैसलाबाद कैंपस में है लाहौर के बाद, तो 70 से अब ये पहुंच चुकी है 66 पे, 3.3591 तक का फॉल देखने को मिला है और लास्ट ईयर ये 1.5215 का था। कंप्यूटर साइंस का देखें तो इसमें KSK कैंपस में भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, लाहौर में भी मिला है और KSK में भी अच्छा खासा मिला, 76.6 से पहुँच गया 75 पे, तो यहाँ पे जो KSK में जाना चाह रहे थे अभी भी उम्मीदें रखें शायद ये क्लोज जो हो 73-72 में पहुंच सकती है। नारोवाल कैंपस में CS 72.38 थी फर्स्ट लिस्ट में और अब पहुंच चुकी है 69.07, तो यहाँ पे भी 3.31% तक का फॉल देखने को मिला है। कंप्यूटर साइंस रचना कैंपस की बात करें तो 71.4 से पहुंच चुके हैं 68.89 पे, तो यहाँ पे भी 2.5886 तक का फॉल देखने को मिला है जो कि अच्छा खासा फॉल है और इसका तो डबल ही है ना पिछले साल का। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 72.08 चली गई है 71.13, ये देखें इसके नज़दीक पहुंच चुके हैं यानी कि ये अभी तक ना यहाँ पे ज़्यादा था लेकिन यहाँ पे अब नज़दीक चल रहे हैं, फॉल पिछले साल ज़्यादा था लेकिन इस साल थोड़ा कम है लेकिन अब फील्ड्स तकरीबन बराबर चल रहे हैं, तो जब लास्ट ईयर का टेक्सटाइल का क्लोजिंग था ना उसके नज़दीक ही होगा इस साल का भी क्लोजिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो 79.6 बहुत ऊपर गई हुई थी और अभी भी ऊपर है और मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा नीचे आएगी, फिर इसका ना जो लास्ट लिस्ट तक भी हो 76 एंड हो सकता है, तो 76 वाले जो हैं वो तो उम्मीद रखें, 75 वाले 50-50 की उम्मीद रखें, 74 वाले मेरे ख्याल से उम्मीद अब ना रखें और वो PUCIT की तरफ अपना रुख करें अगर वहां पे हो सकता है। ठीक है, तो ये तो सारा था इस सेकंड मेरिट लिस्ट एनालिसिस, वीडियो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो चुकी है, ना चाहते हुए भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, उसे वाइंड अप करते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं बता दूं कि रिजल्ट है क्या। ओवरऑल से ये पता चल रहा है कि मेरिट तो गिरा है, ये तो कंफर्म हो रहा है मेरिट गिरा है, कुछ फील्ड्स का बहुत ज़्यादा गिरा है, कुछ फील्ड्स का थोड़ा गिरा है और कुछ फील्ड्स का बिल्कुल ही थोड़ा गिरा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक दफ़ा फिर से मेरी प्रिडिक्शन किसी हद तक ठीक, ज़्यादा नहीं है मैं मानता हूँ इसमें 100% नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि 60-70 तो मान लो यार, आप लोग भी मानोगे 60-70 तक तो ठीक है, तो एक अच्छा खासा मेरिट फॉल होने को मिला है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर से जो मैंने बात की थी उस बात की लाज रखी है, मतलब मेरी बातों की अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अप्रिशिएट करो, मैं खुद ही करता रहता हूँ, खुद के अप्रिशिएट आप लोग करते ही नहीं हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो ताकि आपको हर वीडियो की फ़ौरन इत्तला मिल जाए। Thank you so much and Allah Hafiz.